अभी की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है और पप्पू यादव मरते मरते बच गए हैं। और पप्पू यादव रावण को जलाने गए थे लेकिन पप्पू यादव खुद जल बैठे। और आखिर पूरा मामला क्या है, वहीं पटना में दुर्गा माँ के विसर्जन के दौरान भारी बवाल हो गया और अनियंत्रित गाड़ी ने कईयों की जान लेने की कोशिश की, वहीं 4 नौजवानों की मौत हो गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें ट्रेन में जब आग लगी तो वो एकदम उसका जो बारूद है पीछे बैक करता है, तो वो हम समझ नहीं पाए थे तब तक में राइट में एकदम बारूद आकर के राइट आंख के बगल में एकदम ये कर दिया। तो उस वक्त तो लगा कि चलो नॉर्मल होगा कुछ ऐसा, लेकिन जब लहर देने लगी तो आपकी लहर क्या होती है वो तो आप खुद समझ सकते हैं। स्थिति ये भविष्य अभी सुई लिए दो उसके बावजूद भी लहर एकदम अपने चरम सीमा पर है। बिल्कुल पप्पू जी, वीडियो भी सामने आया है, मतलब बिल्कुल आपके करीब से वो गुजरता हुआ दिखा है उसका कुछ हिस्सा, तो अभी क्या स्थिति है आपकी? मैं बस आंख को लेकर के चिंतित हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो कि आंख के भीतर, एक बार मैं कल पहले आंख चेक करवा लूं रात में, मैं आंख को लेकर आंख के भीतर तो कुछ नहीं गया है ना कि कल के दिन कोई प्रॉब्लम की डेट हो। लहर है, लहर बर्दाश्त कर या जा सकता है, आंख खराब ना हो बस ये संभावना ना हो, ईश्वर ना करे ऐसा हो, और मुझे नहीं लगता कि कुछ होनी चाहिए। लहर पेन बहुत होता है, आग की जो पेन है वो बहुत जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त होता है, मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उसमें भी बारूद वाला पेन आग वो और लहर देता है, पूरा एक साइड लग रहा है कि काम ही नहीं कर रहा है एकदम, बिल्कुल पेन एकदम माउथ पे, आंख पे, हेड के नीचे, मतलब लग रहा है सुनसा हो गया, इस तरह की कवे है जी। तो मुझे लगता है कि भगवान की असीम कृपा से और आप लोगों की दुआओं से और इस देश जितनी दुआएं हैं हमारे लिए, इतना जल्दी तो कुछ कभी होना नहीं है। और मैं निर्भीक हूँ, मैं विजयदशमी में मैंने शुभकामना दी है कि अपने भीतर के रावण को खत्म करें हम लोग, ये पुतला के रावण जला करके कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, पटना से आ रही है, नालंदा से आ रही है, और आपको हम पप्पू यादव के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पटना से जो खबर आ रही है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है, और ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि माँ दुर्गा के विसर्जन के दौरान पटना के एग्जीबिशन रोड में एक तेज रफ्तार XUV 700 ने कईयों पर गाड़ी चढ़ा दी। और बताया जा रहा कि दरअसल कार चालक शराब के नशे में था और उसने कई लोगों की जान लेने की कोशिश की, इसके बाद तो भारी बवाल मच गया। मौके पर पुलिस मौजूद थी और उसने चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही लोग चालक पर टूट पड़े और उसके बाद चालक की बुरी तरीके से, ड्राइवर की बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और चालक को, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और माँ दुर्गा विसर्जन के दौरान कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा कि XUV 700 अनियंत्रित होकर लोगों पर चढ़ गई, और आप जरा सोचिए कि जहां पर हजारों की भीड़ हो और वहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी जब सीधे लोगों पर चढ़ जाती है तो उस समय का क्या माहौल रहा होगा। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के पूर्णिया से भी एक खबर आ रही है और पप्पू यादव के बारे में ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, और बताया जा रहा कि पप्पू यादव मरते मरते बच गए। और बताया जा रहा कि पप्पू यादव रावण को जलाने के लिए उल्टा रॉकेट में आग लगा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। हालांकि पप्पू यादव काफ़ी जख्मी बताए जा रहे हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पप्पू यादव की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल बड़ी धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा था और अधर्म पर धर्म की जीत का
ये त्योहार मनाया जा रहा था। और आप जरा सोचिए कि रावण को मरे हुए सदियों बीत चुके हैं, इसके बावजूद हर साल रावण को जलाया जाता है, लेकिन रावण को आखिर जलाते कौन है? रावण को सिर्फ और सिर्फ राम जला सकते हैं, लेकिन आजकल तो रावण को रावण ही जलाए जाते हैं। और यही कारण है कि लगता है कि रावण नाराज हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जब हर साल रावण को जला ही दिया जाता है तो हर साल रावण फिर पैदा कैसे ले लेता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि रावण को जलाने वाले खुद रावण होते हैं, वो राम नहीं होते, इसलिए रावण हर साल जिंदा हो जाता है और हर साल उसको जलाना पड़ता है और हर साल ऐसे ही जलाए जाता रहेगा जब तक कि प्रभु श्री राम खुद उसको जलाने ना आ जाए। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल जो पप्पू यादव के बारे में खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि सांसद महोदय के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। पूर्णिया के मरंगा में 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले में जैसे ही सांसद पप्पू यादव ने आग लगाई वैसे ही एक रॉकेट उनकी तरफ आ गया और रॉकेट से निकली एक चिंगारी पप्पू यादव पर गिर गए, जिससे पप्पू यादव बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा कि हादसे में एक चिंगारी पप्पू यादव की दाहिनी आंख में गिरी और डॉक्टर उनके इलाज में जुटे हैं। वहीं बताया जा रहा कि 55 फीट के रावण को पूर्णिया में जलाया जा रहा था और पूर्णिया में पप्पू यादव रावण को जलाने के लिए पहुंचे थे। खैर, पप्पू यादव को भी बहुत लोग रावण की उपाधि देते हैं और वो इसलिए क्योंकि उनका पिछला जो इतिहास रहा है वो काफ़ी दुर्दांत रहा है, लेकिन आजकल पप्पू यादव प्रभु राम की तरह ही लोगों की सेवा करने में लगे हैं और पूर्णिया के साथ साथ अगल बगल के तमाम जिलों में जिस तरीके से उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है और दिल खोलकर लोगों की मदद की, लाखों रुपए उन्होंने बांट दिए, इससे उनकी सहृदयता के बारे में साफ साफ पता चलता है। लेकिन बताया जा रहा कि आयोजन कमेटी के संरक्षण नागेंद्र यादव ने कहा कि 55 फीट ऊंचा रावण का पुतला का दहन किया जा रहा था और 2021 से ही इस मैदान में रावण का दहन किया जा रहा है और इसी दौरान पप्पू यादव बुरी तरीके से घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पप्पू यादव की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उन्होंने अपने समर्थकों से अनुरोध किया है कि किसी भी तरीके का अफवाह न फैलाए, वो अभी सुरक्षित हैं, हालांकि वह घायल हैं, डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल एक घटना सामने आई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और दशहरा के दिन ऐसी मौतों का होना कहीं ना कहीं अशुभ संकेत देता है और हिंदुओं का कोई भी पर्व हो ऐसा कुछ ना कुछ समाचार आते ही रहता है। और आपको बताते चले कि जो घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा कि यह घटना नालंदा की है और तेज रफ्तार 2 बाइक के आपस में टकराने से 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और बताया जा रहा कि दोनों मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग सवार थे और बाइक की रफ्तार जो है 100 से ज़्यादा थी, बाइक की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा थी और इस हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बाइक की टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बाइक का पुर्जा उड़ गया और हवा में बताया जा रहा कि 25 फीट ऊपर तक बाइक जो है उछल पड़ा, इससे आप हादसे की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बताया जा रहा कि यह घटना नालंदा की है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरमेरा थाना इलाके में बढ़िया मोड़ के पास यह घटना हुई है और मृतक में 3 लोग शेखपुरा के रहने वाले थे और दोनों बाइक पर सवार सभी लोग दशहरा मेला घूमने आए थे और मृतकों की पहचान 22 साल के राजन कुमार, शशि रंजन कुमार, सोनू कुमार और बोस कुमार के रूप में हुई है। अब जरा उस व्यक्ति की आप अंदाजा लगाइए कि जिसका नाम बोस रखा गया था और बोस जो है वो गॉड को प्यारा हो गया और भगवान के पास पहुंच गया। हम अक्सर कहते हैं कि जब भी
आप बाइक चलाइए, कार चलाइए या कोई भी गाड़ी लेकर आप सड़क पर निकलते हैं तो अपने अलावा सबको पागल समझिए, क्योंकि इस प्रकार के कुछ पागल लोग जो हैं सड़क पर हमेशा चलते रहते हैं, जो कि कफन बांध के निकलते हैं और कफन बांध के निकलने के चक्कर में दूसरों को भी कफन बंधवा देते हैं। और ये लोग लहरिया कट मार करके ऐसा लगता है कि जो भी मृतक थे वो पिछले जन्म में सांप योनि में इन लोगों ने जन्म लिया था, कि लोग सांप की तरह लहरिया कट बाइक चला रहे थे। और अब आप देखिए कि इन लोगों को जल्दी पहुंचना था और ये लोग इतनी जल्दबाजी में थे कि अभी इन लोगों पे जवानी ही चढ़ी थी, इन लोगों ने बुढ़ापा नहीं देखा था और ये लोग भगवान के पास पहुंच गए। आप इनकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। हमेशा सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सतर्क रहें, सावधान रहें। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।